बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंश्योरेंस काम कैसे करते हैं? हमारा 6,000 रुपया मंथली कटता है हेल्थ इंश्योरेंस के, 3,50,000 रुपए ले जा चुका अभी और हम अभी तक बीमारे नहीं पड़े। मान के चलिए LIC वाला आपका पैसा लेके भाग गया, तब आप किसको पकड़िएगा? देखिए भारत में 2 सबसे बड़ी इंश्योरेंस की कंपनी है। इंश्योरेंस का मतलब था बीमा, भारत में 2 सबसे बड़ी कंपनी है, एक है LIC और एक है GIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये 2 सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है, LIC और GIC। LIC की स्थापना 1 सितंबर, बोलिए तो अभी बताएं आपको, 1956। LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। LIC का मुख्यालय मुंबई में, मैं भी क्लास 7 हूँ, मुझे भी। अरे भैया 7 वाला लड़का इसमें क्या कर रहा है यार, आगे देखिए ध्यान से। LIC का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट बोलेंगे, LIC का मुख्यालय मुंबई। देखिए पैसा से रिलेटेड जितनी चीजें, जैसे RBI है मुंबई, शेयर बाजार मुंबई, LIC मुंबई, GIC मुंबई। GIC की स्थापना बाद में हुई थी, 1972 में हुआ था। GIC की स्थापना 1972 में, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। हालांकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, ICICI लोम्बार्ड है, बजाज इंश्योरेंस है, मुथूट इंश्योरेंस है, बहुत ज्यादा टाटा इंश्योरेंस है, महिंद्रा का इंश्योरेंस है, बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंश्योरेंस काम कैसे करते हैं सब ध्यान से समझिए। इंश्योरेंस वाले आपको ये मंथली पैसा चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? मंथली नहीं तो आपको ईयरली चार्ज करते हैं कि साल का इतना लगने वाला है। इसे हम लोग, इस फीस को हम कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम। क्या चार्ज करते हैं? प्रीमियम। LIC को या किसी भी कंपनी में आप LIC खुलवाइए, वो आपसे कुछ पैसे या तो मंथली चार्ज करेगा, नहीं तो एक बड़ा अमाउंट साल का चार्ज, समझ में आ गया? उसे कहते हैं प्रीमियम। क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे, समझ में आ गया कि नहीं गया? अब जैसे हम आपको अपनी बात बता, हमारा 6,000 रुपया मंथली कटता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब ये बताओ हर महीने कितना कट रहा है? 6,000 रुपया। 12 महीने में कितना कट जाएगा? 72,000 रुपया कट जाएगा। कितना है? 72,000। और कंपनी कहती है कि आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, किडनी बदलना पड़े, हार्ट बदलना पड़े, कुछ करना पड़े, सारा जिम्मेदारी हम उठाएंगे, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराइएगा, बिल दे दीजिएगा हम। अब मेरा ये इंश्योरेंस जो चल रहा है ये 2016 से चल रहा है, 2016 में बैंक कितना रुपया ले गया? 72,000, हम बीमारे नहीं पड़े। 17 में ले गया 72,000, हम नहीं बीमार पड़े। ऐसे लेते गया हम बीमारे नहीं पड़े। 2021 खत्म हो गया, हम बीमार नहीं पड़े। तो भैया ये 72,000 रुपया वो पिछले 5 साल से ले जा रहा है हमको। कितने साल से ले जा रहा है? 5 साल। पूरा कीजिए तो कितना लेगा? 0, 0, 0, 0, 5, 2, 10 और 5, 7, 35, 1, 36। अब तक हमसे कितना ले जा चुका है? 21, 22, 23, 10,000, 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
कौन है? सोचे वही है, अब कल को हम बीमार पड़ेंगे तो कौन ची हो जाएगा हमको, हमारा भगवान से बात हो गया मेरा, बीमार हम जल्दी नहीं पड़ते। अब आप ही बताओ, अब कभी इंसान को बुखार लग गया तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी में थोड़ी जाएगा कि 5 रुपया का टेबलेट लेना है। वो कहती है कि आइएगा हम दे देंगे, उसको पता है कि जब 5 रुपया के चक्कर में ऑफिस में 4 बार 5 बार आएंगे हमारा खुदे का पेट्रोल जल जाएगा। वैक्सीन लगाए थे, वैक्सीन लगाने के बाद सर दर्द होने लगता है, थोड़ा सा हल्का बदन दर्द हुआ, 5-10 रुपये का दवा खा लिए, कंपनी वाले को फायदा हो गया। आगे बढ़े, क्या कह रहा है भाई, सर छुट्टी दे दीजिएगा मुझे, पहले से क्लास बाकी है, बंद हो जाएगा तो सारा बैच देखना पड़ेगा। आगे बढ़े, एक कह रहा है कि सर आपको जब बीमार नहीं पड़े तो वापस ले लीजिए पैसा, वापस नहीं देते हैं वो, आप बीमार पड़िए चाहे मत पड़िए, उसका प्रीमियम लेके चला गया, वो प्रीमियम लेके क्या हो गया, चला गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो प्रीमियम लेके क्या हो जाता है, चला जाता है, वो अपना प्रीमियम लेकर चला गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए अपना प्रीमियम लेकर चला गया। यही होता है सारी चीजों के साथ, गाड़ी का इंश्योरेंस किया जाता है कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई, जैसे कोई 4-व्हीलर, कोई बाइक, मान के चलिए 2-व्हीलर है, क्या है 2-व्हीलर, तो इसका साल भर का 4,000 रुपया ले लेता है आपका इंश्योरेंस का, कि आपकी गाड़ी गायब होगी तो वो आपको कंपनी देगी, या गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया तो बनवाने का जिम्मेदारी कंपनी का उसे, या अगर बनने लायक नहीं रहेगा तो नई गाड़ी देने की जिम्मेदारी कंपनी। हर साल कितना रुपया ले ली, 4,000 रुपया ले ली। अब आप खुद सोचिए कि एक शहर में अमूमन बिहार में कम से कम मान के चलिए तो ससुराल 1 लाख गाड़ी होगी, कितना हो गया 1 लाख बाइक, ये हर बाइक से कितना रुपया लिया है, 4,000 रुपया लिया है, कितना हजार, 4,000, 1 लाख गाड़ी है, यानी 5 को 0 बैठा देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़,
ससुरा 40 करोड़ रुपया उसके पास आ गया। एक कंपनी के पास कितना रुपया आ गया? 40 करोड़ रुपया। बदले में आपको क्या दिया? इंश्योरेंस का पेपर दिया कि देख बबुआ तुम गाड़ी से जाएगा, गाड़ी चोरी हो जाएगी तो हम तुमको बदले में देंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो तुम उससे झगड़ा मत करना, हमारा गाड़ी काहे तोड़ा काहे तोड़ा, चुपचाप चल जाना, पुलिस को बुला के दिखा देना फला नंबर की गाड़ी थी तोड़ दी, और वो FIR रिपोर्ट हमको ले आके देना, हम तुमको बदले में नई गाड़ी देंगे। इसीलिए अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल हो जाता है तो पुलिस पकड़ लेती है, इसलिए पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को पता है कि इसका इंश्योरेंस नहीं है, ये उस आदमी से झगड़ा कर लेगा, और इंश्योरेंस रहेगा कोई दिक्कत नहीं, कहीं ले जाकर ठोक दीजिए इंश्योरेंस वाला देगा। बताओ 40 करोड़ में कितना मोटरसाइकिल आएगा? नहीं समझे किसी को कोई दिक्कत? कोई घोंचू कर रहा है कि सर सारा बैच आप ही पढ़ाएंगे 499। अरे बैल कहीं का हिस्ट्री खत्म कर दिए, आधा ज्योग्राफी खत्म कर दिए, पॉलिटी खत्म कर दिए, इकोनॉमिक्स आधा ले आ दिए, अभी इस बैल को पता नहीं क्या पूछता है, अभी डिलीट कर देंगे चल जाओगे 499 डूब जाएगा। एक कह रहा है कि सर गाड़ी वाला मर जाएगा, तब गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है 4000 में और आपके मरने का इंश्योरेंस LIC में हुआ है, और अगर आप दोनों किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इतना हो गया LIC GIC, मान के चलिए LIC वाला आपका पैसा लेके भाग गया या GIC वाला पैसा लेके भाग गया, तब आप किसको पकड़िएगा? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IBRD है, इसका मुख्यालय हैदराबाद है। कहाँ? हैदराबाद। ये कहती है कि इंश्योरेंस का पैसा कोई लेके नहीं भाग सकता है। कभी कभी मेरी एक कार थी, वो वरना कार थी, वरना हुंडई की है, वरना। अब वो वरना कार को हम पटना में अपने यहाँ रखे थे, लेकिन बाढ़ आया तो वरना कार डूब गई, डूब गया पूरा। सोचिए पटना में, पटना हम सिटी में रहते हैं प्रॉपर शहर में, बाढ़ आया मेरा कार डूब गया, और हमारा ही नहीं डूबा पूरे मोहल्ला का कार डूब गया। मेरे कार के ऊपर नाव लगती, पानी 15 दिन बाद नीचे उतरा, गाड़ी खोल रहे हैं दरवाजा का, ऐसे मार पानी फेंका मेरे ऊपर, हम तो नहीं पूरा गंदा पानी नहा गए हम। हम इंश्योरेंस कंपनी को बुलाए, वो आके फोटो खींचा, हमको 7 लाख रुपया दे दिया कार कि आपका कार डूब गया है, ये पैसा लीजिए, और अगर वो पैसा नहीं देता तब हम केस करते IBRD में। कहाँ केस करते? IBRD में, तब वो हमको देता, समझ।